नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। सीआरपीएफ की 123 बटालियन भरवेली के द्वारा सभी ग्रामों में सैनिटाइजर छिड़काव किया गया। जी हां, आपको बता दें कि देश भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए 123 बटालियन केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल सीआरपीएफ ने भी कोरोना वायरस मुक्त करने के लिए कदम उठाया है, जिसमें कमलेश कुमार कमांडेंट 123 बटालियन के आदेश एक को इस बटालियन द्वारा ग्राम हीरापुर भरवेली एवं समस्त ग्राम में भेजा गया, जिसके नेतृत्व में डोमिनिक एमजी उप कमांडेंट 123 बटालियन द्वारा किया गया, जिसमें हीरापुर की सिविल जनता के बीच हैंड सैनिटाइजर, मास्क, हैंड ग्लव्स आदि का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त गाँव में कोरोना वायरस महामारी से मुक्त करने हेतु हीरापुर गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड दवाई का छिड़काव कर सारे गांव को सैनिटाइज किया गया एवं सभी को वायरस की रोकथाम के लिए जागरूक किया गया। नमस्कार, मैं लूही चंदेरी हूँ। अब सभी लोग मेरा नाम डोमिनिक एमजी है, डिप्टी कमांडेंट 123 बटालियन से है। मैं हम इधर क्या बरवेली में रहता हूँ। जी सर, ये जो आप आज सैनिटाइज कर रहे हैं हीरापुर में, ये के कोरोना वायरस संक्रमण के चलते में, तो इसमें सर ये जो यूज कर रहे हैं आप, ये सैनिटाइजर है या फिर और? सैनिटाइजर भी है और हम मास्क भी बांट रहा है जी, और हैंड ग्लव्स भी क्या बांट रहा है, और हैंड वॉश भी बांट रहा है। आप लोगों को मालूम है कोरोना पूरा वर्ल्ड में छाया हुआ है, एक बहुत क्या बड़ा खतरा है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या भारत सरकार का इसका तरह से आदेश आया हुआ है, उसी के मुताबिक काम कर रहे हैं हम लोग। सर, तो आप पूरे ग्रामीणों को यानी पूरे जिले वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? विलेज वासियों को यही है, अपना सैनिटाइज करके रखिए हाथ वगैरह, और साफ सफाई रखिए, और डिस्टेंस को मतलब कीप करिए, सोशल क्या डिस्टेंस, इसमें क्या इसको ब्रेक कर सकता है कोरोना को, यही है। सर, और कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस यही है, हम इसका चलते रहेंगे जब तक इसको एक क्या बीमारी खत्म कर दे, तब तक हम जारी रखेंगे। सर, अभी यानी डेली आप लोग का ये चलते रहेगा? हाँ, चलते रहेंगे। हमारा बाकी कंपनियाँ है, जगनापुर में है और कोनेवानी में, कई जगह में हमारा कार्य चल रहा है। सर, आप कहीं थे? परिचय सर, डोमिनिक एमजी, डिप्टी कमांडेंट 123।